सागर मंथन के समय माता लक्ष्मी बाहर आई थी और उनके साथ साथ उनकी बहन अलक्ष्मी भी आई थी। तो कहते हैं ना कि अगर आपके घर में बिजनेस अच्छा चल रहा हो, पैसे आ रहे हैं, दैट मीन्स लक्ष्मी आ रही है। पर कभी-कभी क्या होता है कि पैसे आते हैं और बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, बट घर में कलेश भी होते हैं, क्योंकि अगर भाई भाई साथ में रहते हैं तो बिजनेस रिलेटेड काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, झगड़े होते हैं, बंटवारा होता है। उसका मतलब क्या है कि अलक्ष्मी भी वहाँ पर मौजूद है। तो जहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ पर कलेश और कई टाइप के बंटवारे जो हम मैंने अभी बताया है वो भी होते हैं। दैट मीन्स लक्ष्मी और अलक्ष्मी साथ में प्रवेश करती हैं। तो अगर आपके घर में बैलेंस लक्ष्मी और अलक्ष्मी का बने रहे तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन अगर कहीं भी बैलेंस बिगड़ गया तो अलक्ष्मी आपका बहुत विनाश कर सकती है। एक बिजनेसमैन को दोनों माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी एक बार दिख गई थी। उन्होंने उनसे पूछा कि माता लक्ष्मी ने और अलक्ष्मी ने उनसे पूछा कि कौन सुंदर है, मैं सुंदर हूँ या मेरी बहन सुंदर है। अब वो बिजनेसमैन को किसी को भी नाराज़ नहीं करना था, तो उन्होंने बोला, माता लक्ष्मी आप आते हुए बहुत अच्छी लगती हो, और माता अलक्ष्मी को बोला कि आप घर से जाते हुए बहुत अच्छी लगती हो। तो माता अलक्ष्मी को खट्टी और तीखी चीज़ें बहुत पसंद हैं। इस वजह से लोग घर के बाहर या अपने बिजनेस के सेंटर के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो हमेशा बाहर रहें, माता अलक्ष्मी बाहर रहें और माता लक्ष्मी अंदर रह सकें। तो जैसे हम देखते हैं कि मैसी लोग, जो जिनके घर में पसारा होता है, गंदगी होती है और बहुत सारे कलेश जिनके घर पे होते हैं, वहाँ पर माता अलक्ष्मी हमेशा अपना प्रस्थान रखती हैं। और जिनके घर में नीटनेस होती है, जिनके घर में खुशियाँ होती है, जिसके घर में लोग एकदम शांति से रहते हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी रहना पसंद करती है। तो आप क्या चाहते हो, आपके घर पे कौन रहे, माता लक्ष्मी या माता अलक्ष्मी? और अगर माता लक्ष्मी और अलक्ष्मी साथ में भी रहती हैं तो आपको वो बैलेंस बनाए रखना चाहिए, तभी आप खुश रह सकते हो। ये आप ज़रूर गौर कीजिए और सोचिए कि ये आपके लाइफ में होता है कि नहीं होता।